दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महान आविष्कारक और एक सफल उद्योगपति हेनरी फोर्ड के बारे में, जिन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी थी। दोस्तों इन्होंने गाड़ियां ही नहीं, इन्होंने ट्रैक्टर, ट्रक और काफ़ी सारे इंजन भी बनाए थे। यहां तक कि इनकी कंपनी ने हवाई जहाज़ भी बनाए थे। जब भी हेनरी फोर्ड का नाम आता है तो मुझे इनका एक किस्सा बड़ा याद आता है। एक बार हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर को बोला कि मुझे एक ऐसा इंजन चाहिए जिसमें 8 सिलेंडर एक जगह पे लगे हो। तो हेनरी फोर्ड ने कागज़ पे स्केच बना के जो अपने इंजीनियर को दे दिया, तो इंजीनियर ने कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, 8 सिलेंडर एक ही इंजन में फिट नहीं हो सकते। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बना के दीजिए, आपको जितना समय चाहिए, जितना पैसा चाहिए आप लोग ले लीजिए। तो इंजीनियर को बॉस का कहना मानना पड़ता और उन्होंने शुरुआत कर दिया ऐसे इंजन बनाने के लिए। 3 महीने बाद जब मीटिंग हुई तो हेनरी फोर्ड ने उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, बना इंजन? तो उनके जो मैकेनिक थे उन्होंने कहा कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, 8 सिलेंडर ये इम्पॉसिबल है, नहीं होगा ऐसा, हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें वो दिक्कत आ रही है। तो हेनरी फोर्ड ने उनको सिंपल सी बात कही, सिर्फ 3 वर्ड कहे। हेनरी फोर्ड ने कहा कि चाहिए ही चाहिए, आप लोग कुछ भी करो, आपको कितना भी समय लगे आप ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन आप मुझे ये इंजन बना के दीजिए। हर 3 महीने बाद इनकी मीटिंग होती थी और हर 3 महीने बाद इनके इंजीनियर बोलते थे कि सर ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हर 3 महीने बाद हेनरी फोर्ड का वही जवाब रहता कि चाहिए ही चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हेनरी फोर्ड ने अपने मैकेनिक के लिए, अपने इंजीनियरों के लिए। तो उनके इंजीनियर जो है लगे रहे, हर 3 महीने बाद मीटिंग होती और हर 3 महीने बाद वो यही कहते कि ये नहीं होगा, और फिर सेम हेनरी फोर्ड कहते कि चाहिए ही चाहिए। आखिरकार 18 महीनों बाद हेनरी फोर्ड और उसकी टीम ने दुनिया का पहला 8 सिलेंडर वाला इंजन बना दिया। तो इतने दृढ़ निश्चय, इतने आत्मविश्वास वाले थे हेनरी फोर्ड। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत घड़ी की मरम्मत करने से शुरू की और आखिर में हवाई जहाज़ तक बनाने का इन्होंने काम कर दिखाया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी फोर्ड के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विलियम फोर्ड और माता का नाम मैरी फोर्ड था। हेनरी फोर्ड अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके 3 भाई और 2 बहनें थी। उनके पिता आयरलैंड के काउंटी कार्क के मूल निवासी थे, जो 1847 में अमेरिका आए और वेन काउंटी के खेत में बस गए। 5 वर्ष की आयु में हेनरी का दाखिला पास के एक स्कूल में कराया गया। 5वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हेनरी अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे। हेनरी के पिता की इच्छा थी कि हेनरी एक अच्छा किसान बने, किंतु हेनरी का दिमाग दूसरी दिशा में ही व्यस्त रहता था। वैसे हेनरी फोर्ड खेत में तो जाया करते थे, लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता था। वो कहते थे कि मैं खेत में जाता हूँ सिर्फ अपनी माँ को देखने के लिए। हेनरी फोर्ड को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था। किशोर अवस्था में हेनरी के पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी गिफ्ट दी थी। अगले ही दिन हेनरी ने उस घड़ी के सारे पुर्जे खोल के वापस उनको फिट कर दिया। हेनरी को बचपन से ही मशीनों से प्यार था, और बच्चों की तरह हेनरी के खिलौने सारे मशीन के पुर्जे ही होते थे। तो पहली बार हेनरी ने अपने पिताजी की दी हुई घड़ी की ही मरम्मत की, और उसके बाद हेनरी फोर्ड अपने पड़ोसियों की घड़ी मरम्मत करने लगे, वो भी बिना पैसों के, रात में छुप छुप के, कहीं उनके पापा उनको देख न ले, क्योंकि वो गुस्सा करते थे। 16 वर्ष की उम्र में हेनरी फोर्ड डिट्रॉइट चले गए, क्योंकि इनको कुछ करना था, इनको आगे बढ़ना था। तो इन्होंने शुरू में एक कारखाने में काम करना शुरू किया। उस कारखाने से इनको मैकेनिकल नॉलेज हासिल हो गई, लेकिन उस कारखाने से इनकी आमदनी इतनी नहीं होती थी जिससे ये अपनी खुद की कोई फैक्ट्री शुरू कर सकते थे। तो इसलिए इन्होंने एक सुनार के यहाँ पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ घड़ियाँ भी सुधारते रहे। 1886 में इनको घर से संदेश मिला कि इनकी पिताजी की तबीयत ख़राब है। तो ये 1886 में डिट्रॉइट को छोड़कर वापस अपने घर आ गए और अपने पिताजी की दी हुई 80 एकड़ भूमि में बस गए, और वहाँ पर इन्होंने मशीन मरम्मत करने का एक कारखाना खोला।
फोर्ड ने 11 अप्रैल 1888 को क्लारा जेंट ब्रायंट से शादी की। उसके बाद 1893 में इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम एडसल फोर्ड रखा गया। हेनरी फोर्ड अपनी पत्नी की सहायता से एक आरा मशीन भी चलाया करते थे। 1888 में इन्होंने गैस इंजन और खेतों पर भारी काम करने वाली मशीन बनाने की एक योजना बनाई, जिसकी वजह से ये वापस डिट्रॉइट चले आए। वापस डिट्रॉइट आने के बाद इन्होंने 1890 में एक डेट्रॉइट एडिशन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना शुरू किया। 6 नवंबर 1893 को हेनरी फोर्ड कंपनी में बतौर मुख्य इंजीनियर के रूप में काम करने लग गए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई, जो आगे जाके उनके अच्छे दोस्त बने। थॉमस एडिसन जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन की बायोग्राफी भी मैंने कवर की है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 1893 में हेनरी फोर्ड ने सिंगल सिलेंडर गैसोलीन इंजन बनाया, जिसको 1896 में उन्होंने उस इंजन को एक चार पहिए वाली साइकिल के फ्रेम में लगाकर अपनी पहली गाड़ी बनाई। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यही है हेनरी फोर्ड की पहली गाड़ी। 19 अगस्त 1899 में हेनरी फोर्ड ने इलेक्ट्रिक कंपनी को छोड़कर डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की। उसके बाद इस कंपनी को छोड़कर इन्होंने रेसिंग गाड़ियाँ बनाने का फैसला लिया और इन्होंने रेसिंग गाड़ियाँ बनाई। इन गाड़ियों ने कई दौड़ में सफलता पाई, जिसके कारण इनका बड़ा नाम हुआ। उसके बाद 16 जून 1903 को हेनरी फोर्ड और 12 अन्य सदस्यों ने 28,000 रुपये का निवेश किया और फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की। फोर्ड कंपनी के द्वारा निर्मित पहली कार 15 जुलाई 1903 में बेची गई थी। 1906 में हेनरी के पास कंपनी की 25.5% हिस्सेदारी थी, जिससे वो कंपनी के अध्यक्ष और उसके नियंत्रण के मालिक बन गए थे। इनका उद्देश्य हल्की, तेज, मजबूत लेकिन सस्ती गाड़ियों का निर्माण करना था, जिसके लिए उन्होंने मॉडल टी नाम की गाड़ी निकाली। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यही है मॉडल टी। इसने यातायात उद्योग में क्रांति ला दी। 1908 में इस गाड़ी की कीमत $825 थी, जो आज अगर देखें तो लगभग $23,480 के आसपास होती है। उसके बाद 1919 में हेनरी फोर्ड ने $10,58,20,894 में कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए और अपने इकलौते बेटे को कंपनी का अध्यक्ष बना दिया। 1924 तक इनकी कंपनी ने 20 लाख गाड़ियां और ट्रैक्टर बनाए थे, और देखते ही देखते 1931 तक इनके सब कारखानों में निर्मित गाड़ियों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गई। 1943 में दुर्भाग्य से उनके बेटे की मौत हो गई और हेनरी वापस कंपनी के अध्यक्ष बन गए। सितंबर 1945 में हेनरी ने अपने पद से इस्तीफा देकर अपने पोते हेनरी फोर्ड टू को कंपनी का अध्यक्ष बना दिया। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए हेनरी फोर्ड को 1946 में ऑटोमोटिव गोल्डन जुबली में काफ़ी सराहना मिली। उसी वर्ष जुलाई में उनके 83वें जन्मदिन की पार्टी में 50,000 लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी, यानी 50,000 लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए। उस वर्ष अमेरिकी पेट्रोलियम संसाधन ने उन्हें मानवता के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। संयुक्त राज्य सरकार ने 1965 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया, जिसपे उनकी गाड़ी मॉडल टी के साथ उनका फोटो लगा था। 1999 में फॉर्च्यून पत्रिका ने हेनरी फोर्ड को बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। हेनरी फोर्ड एक महान आविष्कारक भी थे। इनके नाम अमेरिका के 161 पेटेंट हैं। इन्होंने खेती के लिए ट्रैक्टर भी बनाए। इनके बारे में एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। फोर्ड एक अरबपति होने के बावजूद अपने ऑफिस और फैक्ट्री में बिल्कुल साधारण कपड़ों में जाते थे, तो यह देखकर उनके सभी कर्मचारी काफ़ी अचंभित होते थे और आपस में बात करते थे कि अपने बॉस के पास इतना पैसा है, वो फिर भी इतने सिंपल कपड़ों में ऑफिस आ जाते हैं। एक दिन उनकी सेक्रेटरी ने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि सर, आपके पास इतना पैसा है कि आप सारी दुनिया से एक से बढ़कर एक कपड़े मंगवा सकते हैं, तो फिर आप इतने सादे कपड़ों में ऑफिस कैसे आ जाते हैं?
हेनरी फोर्ड ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा कि यहाँ सब जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ, मैं महंगे कपड़े पहनकर सबको यह दिखाने की चिंता क्यों करूँ कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। एकदम ही सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले थे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड खुद अरबपति थे, लेकिन इनको अमीरों से कोई खास सहानुभूति नहीं होती थी। इनका यह विचार था कि उद्योग को इस प्रकार विकेंद्रित करना चाहिए कि खेती के साथ साथ कारखानों का काम भी चलता रहे। ये ऊंची मजदूरी देने के पक्ष में थे, किंतु मजदूर संघों के घोर विरोधी थे। फोर्ड ने 1914 में $5 प्रतिदिन की मजदूरी करके, जो कि आज लगभग $130 प्रतिदिन होती है, पूरी दुनिया को चकित कर दिया था, जो कि उनके अधिकांश श्रमिकों की दर को दुगना कर देते थे। और साथ ही, जैसा मैंने अभी बताया कि इनको मजदूर संघों से काफ़ी चिढ़ होती थी, तो इन्होंने मजदूरों के बीच में अपने जासूस भी छोड़ रखे थे, जिससे इनको पता चल सके कि कहीं अंदर ही अंदर मजदूर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संघ, कोई समूह तो नहीं बना रहे हैं। तो अपने मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने के साथ साथ हेनरी फोर्ड ने 1926 में सप्ताह में काम करने के दिनों की संख्या को कम कर दिया। ये जो आज 5 days वर्किंग का आप सिस्टम देख रहे हो, इसकी शुरुआत हेनरी फोर्ड ने ही की थी। 1 मई 1926 को फोर्ड मोटर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करना होता था और 2 दिन की उनको छुट्टी दी जाती थी। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि हेनरी फोर्ड अपने मजदूरों का काफ़ी ध्यान रखते थे। हेनरी फोर्ड ने सैमुअल क्रोथर के सहयोग से माई लाइफ एंड वर्क एक बुक भी लिखी, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 1922 में इन्होंने बुक लिखी थी। उसके बाद टुडे एंड टुमारो 1926 में और मूविंग फॉरवर्ड 1930 में नाम की पुस्तक भी लिखी, जिसमें फोर्ड मोटर कंपनी के विकास का वर्णन किया गया है और उनके औद्योगिक और सामाजिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। हेनरी फोर्ड की मृत्यु 83 वर्ष की उम्र में उनके निवास स्थान पर 7 अप्रैल 1947 को रात 11:40 पर हुई। उस समय उनके बिस्तर के पास उनकी पत्नी क्लारा फोर्ड और उनके घरेलू कर्मचारियों के सदस्य थे। तो ये थी हेनरी फोर्ड के जीवन की कहानी। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखना है, तो आप हेनरी फोर्ड के वो 3 शब्द जरूर याद रखिएगा जो हेनरी फोर्ड ने अपने मैकेनिक को कहे थे, चाहिए ही चाहिए। अगर आपका भी जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य आपने बना रखा है, तो सुबह उठते ही हर रोज़ अपने आप से कहो कि चाहिए ही चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से और कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी इनके जीवन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।